السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين क्या हाल है आप सब के उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे दुआल स्पाना तला आप सबको अपनी हिफोमान में रखे सेहत और आफ़ियत फ़रमाए आमीन लास तो रब्वी पे हमारा टॉपिक चल रहा है तकबीर सलाम तक इसमें आज हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ आयात का जवाब ये सफ़ा नंबर है दो सौ तीन हमारे यहाँ ये रवाज है कि इमाम जब बास मखसूस आयत की तलावत करता है तो वो और बास मुक्तदी तबाज बेबाओ बुलंद इनका जवाब देते हैं ये दुरुस्त नहीं क्योंकि इस बारे में कोई सही सरी रिवायत नहीं है हाँ बास आयत की तलावत के बाद इमाम या कारी अपने तौर पर इनका जवाब दे तो जायज़ है यहाँ यही बताया जा रहा है कि जब बाजबात आबाज़ हो रही हो तो इमाम या कोई भी मुक्तदी जो है वो मखसूस आयात का जवाब ना दे जैसे कि जन्नत की आयात पे जवाब दिया जाता है या अजाब की आयात पर पना मांगी जाती है तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह तरीक़ा नहीं था ये मसनून अमल नहीं है और जाहिर है इससे क्या होता है सबकी नमाज़ों में खलल पड़ता है खुशु बाकी नहीं रहता ध्यान कहीं और चला जाता है फिर है कि हाँ बास आयात की तलावत के बाद इमाम या मुनफरदकारी अपने तौर पर इनका जवाब दे तो जायज़ है यानी अगर कोई तनहा नमाज पढ़ रहा है और वो जवाब देता है तो फिर ठीक है चुराचे हज़रत रज़ी अल्लाउन रसलील्ला वसम की नबाज़ तजुद की कैफियत बयान करते हैं कि जब आप तस्बी वाली आयत पढ़ते तो तस्बी करते यानी हमद बयान करते अल्लाह सुबहाना ताली की जब सवाल वाली आयत तलावत करते तो सवाल करते और जब ताउस वाली आयत पढ़ते तो अल्लाह की पनाह पकड़ते यानी शैतान से पनाह मांगते और अल्लाह की पनाह में आ जाते सभी हसमी कल अला पढ़ने वाले का इसके बाद जवाबन सुबहाना रबी अला कहना सहबा कराम रज़ी अन्ह से बित हैतिया के अख्ताम पर हिसाब यसीरा कहना साबित नहीं यानी यह मसनूमल नहीं है लबास में शैतानी वसवसे का इलाज सैदना उस्मान बिन अबुल आस रज़ी अल्लाहरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान मेरे दरम्यान और मेरी नमाज़ और किरात के, के दरमियान हायल हो जाता है और किरात पे अल्तिबास पैदा करता है यानी शको शुबात डालता है आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस शैतान का नाम खिलज़ब है जब तू उसे महसूस करे तो आऊज बिल्ला के पूरे कलिमत पढ़ो यानी आऊज बिल्ला ही ही मिनश पढ़ो और बाई जानब तीन बार थतकारो यानी थू थू करो सैदना उस्मान बिन अबूल्लास रज़ी लन बयान करते हैं कि मैंने ऐसा ही किया तो अल्लाह ने उसे यानी शैतान को मुझसे दूर कर दिया अगर आपको लगे कि नमाज़ पे बहुत ज़्यादा ख़यालात इधर उधर जा रहे हैं तो हमें ऐसा ही करना चाहिए बाएं जानब तीन बार हल्का सा मुँह तरफ किया जाता है और थू थू जैसे हल्का सा थूक निकल जाए इस तरह से थतकार आ जाता है दुरान नमाज पे कोई सोच आने पर नमाज बातिल नहीं होती यानी नमाज बातिल तो नहीं होती लेकिन खुशबू बरकरार नहीं रहता नमाज़ में लजत महसूस नहीं होती असमाना तआला से जो एक तालुक बन जाता है वो नहीं बनता तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो हम तिलावत कर रहे हैं उनके मानी जो हैं वो भी हम समझ रहे हों उन पे ही हमारा सारा ध्यान हो ताकि नमाज जो है वो सही तरह से कबूल हो जाए और हमें लजत भी महसूस हो और हमें समझ भी आ रहा हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं खुशू बरकरार रहे सदना उकबा बिन हारिस रज़ी फरबाते हैं कि मैंने मदीने में रसलील्लासम के साथ दबाज़ असर पड़ी तबाज़ के बाद आप फ़ौर खड़े हो गए और लोगों की गर्दनें फलानगते हुए असभा में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए लोग परेशान हो गए फिर आप वापस तशरीफ़ लाए सहबा कराम रज़ीम ने जो था उनके चेहरों पे ताजुब था साहबा कराम के हैरानगी के आसार थे लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके चेहरों पर ताजुब के आसार देखे तो फरमाया मुझे रबास के दौरान में याद आया कि हमारे घर में कुछ सोना रखा हुआ है और मुझे एक दिन या एक रात के लिए भी अपने घर में सोना रखना पसंद नहीं लिहाजा मैंने उसे तकसीम करने का हुक्म दिया है हमें भी देखना चाहिए हमारे आगे पीछे बहुत सारे ज़रूरतमंद होते हैं किसी का कोई ऑपरेशन होना है और उसके पास पैसे नहीं हैं किसी की कोई और बीमारी है कहीं सुबह शाम फाक़े हो रहे हैं और वो हमसे पैसे मांगते हैं और हमारे पास नहीं भी होते ये बात नहीं है लेकिन सोना तो रखा होता है ना तो फिर क्या ख्याल है क्या करना चाहिए और बहुत सारा जो सोना है वो ऐसा भी होता है जो हमने सालों से नहीं पहना होता बस संभाल के रखा होता है और फिर बनवा भी रहे होते हैं हर आए दिन तो हमें भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए और उसे भी हमें सदका कर देना चाहिए डबास में रोना सैदना अब्दुल्ला बिन शखीर रज़ी फरमाते हैं कि बैर सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम को नबास पढ़ते देखा लबास पे रोने की वजह से आपके सीने से चक्की के चलने की सी आवाज़ आ रही थी रफाउल्दैन रफा यदैन यानी दोनों हाथों का उठाना लबास पे चार जगह साबित है शुरू लबास पे तकबीर तहरीमा के वक्त नंबर दो रुको बे से पहले नंबर तीन रुकू से उठने के बाद यानी जब सीधा होते हैं ना और नंबर चार तीसरी रकत की इब्तदा में यानी दो रक़त के बाद जब हम दशत में बैठते हैं तो उसके बाद जब हम खड़े होते हैं तो उस वक्त भी यदैन किया जाता है इन मकामात पर यदैन करने के दलाइल ये हैं سيدنا عبد الله بن زبير رضي الله عنهما فرماته صليت خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان يرفع يديه إذا افتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الرقّ، وقال أبو بكر صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم

और कहते थे मेरे रसोल्ला सल्ला वसम के पीछे डबास पढ़ी तो आप सलील वसम ने भी डबास के में रुकू से पहले और रुकू से सर उठाने के बाद इसी तरह रफ़ोल्या दैन किया था यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि बिल्कुल डबास का जब आगाज़ कर रहा है तकबीर पढ़ते वक्त हाथ उठाने हैं रफ़ोल्या दें करना है फिर रुकू से पहले यानी जब आप रुकू में जाएंगे तो उससे पहले करेंगे और जब रुकू से सर उठाएंगे तो फिर आप दोबारा से रफौलियतन करेंगे सईदना उबर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ने एक मरतबा लोगों को नमाज का तरीक़ा बताने का इरादा किया तो किबला रुख होकर खड़े हो गए और दोनों हाथों को कंधों तक उठाया फिर कहा फिर रुकू किया और इसी तरह हाथों को बुलंद किया और रुकू से सर उठाकर भी भी रफ़ाउल्याद्दैन किया हज़रत अली रज़ी अल्लान फरबाते हैं कि अलैहि वसल्लम रबाज के शुरू में रुकू में जाने से पहले रुकू से सर उठाने के बाद और दो रकतें पढ़कर खड़े होते वक़्त यदैन करते थे यानी एक तो नमाज़ के आगाज़ में करना है फिर रुकू में जाने से पहले और रुकू करने के बाद और दो रकात के बाद जब तशद पड़ा जाता है और उसके बाद तीसरी रकत के लिए जब खड़े हो रहे होते हैं तो फिर करना है सैदना अब्दुल्ला बिन उमर अनहुमा फरमाते हैं रसोल्ला सल्ह वसम शुरू नमाज़ में रुकू से पहले और रुकू के बाद अपने दोनों हाथ कंधों तक उठाया करते थे सैदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ीमा ख़ुद भी शुरू में, फिर रुकू से पहले और रुकू के बाद और दो रकतें पढ़ कर खड़े होते वक्त यदैन करते थे और फरमाते थे कि सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने भी इसी तरह यदैन किया था यानी वो भी इसी तरह करते थे इमाम बुखारी के उस्ताद अली बिन मदनी रहमुल्ल फरमाते हैं कि हदीस इबन उमर रज़ी अल्लाबा की बिना पर मुसलबानों पर रफ़ाजदैन करना ज़रूरी है यानी इसका करना लाजमी है सैदना मालिक बिन हवैरस रज़ी अल्लाउरू शुरू पर रफ़ा उल्जदैैन करते फिर जब रुकू करते तो रफाउल यदैन करते और जब रुकू से सर उठाते तो रफाउल यदैन करते और ये फरबाते थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह किया करते थे सैदना वाइल बिन हजर रज़ी अन्हु फरबाते हैं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप नमाज शुरू करते तो अल्ला अकबर कहते और अपने दोनों हाथ उठाते फिर अपने हाथ कपड़े में ढांक लेते फिर दाया हाथ बाएं पर रखते जब रुकू करने लगते तो कपड़ों से हाथ बाहर निकालते अल्ला अकबर कहते और रफ़ोल्या दैन करते जब रुकू से उठते तो समी अल्ला हमीदा कहते और दैन करते, दैन बिन हजर नौ और दस हिजरी में रसली सल्ह वसम के पास दो मरतबा आए थे लिहाजा साबित हुआ कि रसोल्ला सल् वम दस हिजरी तक रफाउल्दैन करते थे ग्यारह में नबी अक्रम सल्ह वसम ने वफात पाई लिहाजा आखिर उम्र तक रफाउल्याद्दैन करना साबित हुआ सैदना अबू हमेत सदी रज़ी अनहूरे सहाबा कराम रजी हम के एक मजमा में बयान किया कि रसोल्ला सल्हसम जब दबा शुरू करते जब रुकू बे जाते जब रुकू से सर उठाते और जब तो रकते पढ़कर खड़े होते तो रफाउल्जदैन करते थे तमाम सहबा कराम रज़ी लुम ने कहा तुम सच बयान करते हो रसोल्ला सल्लाम इसी तरह लबास पढ़ते थे इमाम इब्ने खज इस हदीस को रिवायत करने के बाद फरबाते हैं कि कैरे महब्बत बिन या अज़हली रहमुल्ल को ये कहते हुए सुना कि जो शस हदीसी अबू हमद रज़ी सुने और इसके सुनने के बावजूद रुकू में जाते और इससे सर उठाते वक्त रफ़ोलन नहीं करे तो उसकी नमाज़ नाकिस है यानी नमाज में नुक्स पैदा हो जाएगा सैदना अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ने एक दिन लोगों से फ़रमाया कि क्या बै तुबः रसोल्ला सल्ह वसलम की रबास ना बताऊँ ये कह कर उ रबास पढ़ी जब तकबीर तहरीमा कही तो रफाउल जदैैन किया फिर जब रुकू किया तो रफ़ाउद किया और तकबीर कही पीसमी अल्लाहमिदा कह कर दोनों हाथ कंधों तक उठाए फिर फरमाया इसी तरह किया करो सैदना जाबिर अन्हु। जब रबास शुरू करते जब रुकू करते और जब रुकू से सर उठाते तो रफ़ालादैन करते और फरमाते थे कि अलैहि लाह वसल्लम भी इसी तरह करते थे रफ़ल्दैन ना करने वालों के दलाल का तज़िया जिन अहदीस से रफाजादैन ना करने की दलील ली जाती है उनका मुख्तसर तजिया मुलाजा फरमाइए पहली हदीस है सदना जबर बिन समरा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि रसोल सल्ह वम ने फ़रमाया क्या बात है कि बैतुबे इस तरह हाथ उठाते देखता हूँ गोया कि वो सरकश घोड़ों की दुमे हैं तबाश पे सुकून इख्तियार करो ये सही मुस्लिम की हदीस है इसका तर्ज़िया कर लेते हैं इस हदीस में इस मुकाम का ज़िक्र नहीं जिन पर सहाबा कराम अन्हुम हाथ उठा रहे थे यानी यदैन कर रहे थे उस वक्त का ये तर्जिया नहीं है उस वक्त की बात नहीं है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त मना नहीं फ़रमा रहे थे सैदना जाबिर बिन समरा ऱी अल्न्हा ही ने सही में इसी हदीस से मुतसल दो रिवायत और भी हैं जो बात पूरी तरह वाज़ कर रही हैं सईदना जाबिर बिन समरा रज़ी अन् फरमाते हैं रसोल्ला सल्ह वसम के साथ जब हम नमाज़ पढ़ते तो नमाज़ के ख़ात्मे पर दाएं बाएं दाएँ व रहमतुल्लाह कहते हुए हाथ से इशारा भी करते ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने हाथ से इस तरह इशारा करते हो जैसे शरीर घोड़ों की दो में हिलती हैं तुम्हें यही काफ़ी है कि तुम कादा में अपनी रानों पर हाथ रखे हुए दाएं और बाएं मुँह अस्सलाम कर व वरहतल्ला कहो यानी हाथों को ना उठाओ ये नहीं कि जब दाएं पे दाईं जानब सलाम रहे हो तो अपने हाथ को दाईं तरफ इशारा भी करो हाथ से हाथों को रानों पे ही रहने दो उनको ना हिलाओ उनके हिलाने से क्या लग रहा है जैसे कि शरीर घोड़ों की दुमें हिलती हैं सैदना जाबिर बिन समरा रज़ी अन्हु का बयान है हम रसोल्ला सल्ला वसम के साथ लबाश के ख़ात्मे पर असलकम कहते हुए हाथ से भी इशारा करते थे यह देख कर आप अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अपने हाथों से इस तरह इशारा करते हो गोया वो शरीर घोड़ों की दुमे हैं यानी हाथों से इशारा करने को कहा गया है कि वो शरीर घोड़ों की दुमों की तरह हिल रहे हैं हाथ तुम नमाज से सलाम फेरते वक्त सिर्फ़ एक साथी की तरफ मुंह मोड़ो यानी जो तुम्हारा दाएं साइड पे साथी बैठा है जब दाएं तरफ सलाम करो तो उसकी तरफ देखो मुँह उसकी तरफ कर लो और हाथ से इशारा ना करो और इसी तरह बाई जानेब जब सलाम फेरो तो बाई तरफ जो साथी है उसकी तरफ सिर्फ़ मुंह को मोड़ लो लामा नवी रहल्लामजमूह में फरमाते हैं सयद ना जाबिर बिन समरा रज़ी की इस रिवायत से रुकू ब जाते और उठते वक्त रफोल्जदैनैैन ना करने की दलील लेना अजीब बात और सुन से जहालत की कभी किस्म है क्योंकि ये हदीस रुकू बे जाते और उठते वक्त के रफोल्जदैन के बारे में नहीं है बल्कि तशहद इस्लाम के वक्त दोनों जानब हाथ से इशारा करने की उमानियत के बारे में है यानी जो इशारा करते थे सलाम फेरते हुए दाएँ तरफ सलाम फेरते हुए दाएं जानब और बाएँ जानब सलाम फेरते हुए बाइ जानब उसको मना किया गया है कि वो ना किया जाए महदसिन और जिन्हें महदसिन के साथ थोड़ा सा भी ताल्लुक है उनके दरमियान इस बारे में कोई इख्तलाफ़ नहीं इसके बाद इमाम नवी इमाम बुखारी रहमोल्ला का कौल नकल करते हैं कि इस हदीस से बास बाज़ाह लोगों का दलील पकड़ना यानी दलील लेना सही नहीं क्योंकि ये सलाम के वक्त हाथ उठाने के बारे में है और जो आलिम है वो इस तरह की दलील नहीं पकड़ता क्योंकि ये मरूफ और मशहूर बात है इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं और अगर ये बात सही होती तो इब्तः नमाज़ यानी नमाज की इब्तदा में जो रफल्जादैन किया जाता है वो और ईद का रफोल्जैन भी मना हो जाता मगर इस बे ख़ास रफोल्जैन को बयान नहीं किया गया इमाम बुख़ारी रही फ़रबाते हैं बस इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि वो नबी वसल्लम पर वो बात कह रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही क्योंकि अल्लाह फरमाता है फलीहतरिल्लादीन युखालिफून अन अम्रिही अन तोसीबहुम फितनतुन अव युसीबहुम अदाबुन अलीम तर्जबा है बस इन लोगों को जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते हैं इस बात से डरना चाहिए कि उन्हें दुनिया में कोई फितना या आखरत में दर्दक अज़ पहुँचे दूसरी हदीस सैदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ने फरमाया क्या मैं तुम्हें रसूलल्लाह रसोल्ला अलैहि वसल्लम की रवाज़ ना बताऊँ उन्होंने नमाज पढ़ी और हाथ ना उठाए मगर पहली मरतबा ये हदीस सुना नबी दाऊद की है और ये ज़हीफ़ है तरजिया इमाम अबू दाऊद रायल्ला इस हदीस के बारे में बेफ़रबाते हैं वल सा हुआ बिसद लफ्ज़ ये हदीस इन इनफ़ाज के साथ सही नहीं है जबकि इमाम तरमिज़ी अब्दुल्ला बिन बिनुब्बारिक रही का क़ौल नक़ल किया है वलम यसबु हदीसु मसूदिन, मसूदिनन नबी स लम यरफ़ा यदहीफी अव्वली मरतिन सैदना अब्दुल्ल बिन मसूद रज़ीअन्हू के तरके रफ़ल्याद्दैन की हदीस साबित नहीं है कि उन्होंने नहीं किया रफ़ादैन ये वाली हदीस जो है वो साबित नहीं सही नहीं बल्कि ज़हीफ़ है इस रिवायत में सुफ़ियान सौरी जो है वो मदलिस हैं और अन से रिवायत करते हैं मुदलिस की अन वाली रवायत जो है वो जहीफ है मशहूर बअस शेख अलमौलमी अयमानी रहमुल्ल् ने अपनी मशहूर किताब अतनकिल्ब इस रवायत को सफियान सौरी की तदलीस की वजह से जहीफ करार दिया है तीसरी हदीस सैद नब्र रज़ी अल्लाउन्हू कहते हैं पहले रसुल्लम को देखा आप जब नबाज़ शुरू करते तो दो, दो हाथ कानों तक उठाते फम ला याऊद फिर नहीं उठाते थे ये सुना नबी दाऊद की हदीस है और इसमें भी जो रवायत है यजीद अबी ज़्यादीफ़ के ऊफ़ की और अखिलात की वजह से ये भी ईफ़ है तर्जिया नवी रही फरबाते हैं कि ये हदीस ईफ़ है इसे सफियान बिनाना इमाम शाफ़ी इमाम बुखारी और उस्ताद इमाम हमेदी और इमाम अहमद बिन हम्बल रही जैसे आयमा हदीस जो हैं उन्होंने जहीफ करार दिया है क्योंकि यजीद बिन अबीज़्यात पहले लाऊत कलफ़ जो है ये नहीं कहा करते थे पहले कोफ़ा के पढ़ाने पर उन्होंने ये लफाज बढ़ा दिए और इसके साथ साथ वो जो थे शिया भी थे और आखिरी उम्र में उनका हाफज़ा जो है वो ख़राब हो गया था इसके अलावा यदैन की जो हदीस हैं वो ओला हैं और मस्बत हैं नाफिक पर जो मस्बत होती हैं उनको तरजीह दी जाती है पास लोग ये भी दलील देते हैं कि बुराफ़्क जब नबाश पढ़ आते थे तो अपनी आस्तिनों में और बगलों में बुत रख कर लाते थे बुतों को गिराने के लिए यदैन शुरू में किया गया बाद में छोड़ दिया गया लेकिन हमें हदीस की किताबों में इसका कोई सबूत नहीं मिलता ये जहलाना बात है क्योंकि देखें अगर ऐसा होता तो जब आप सबसे पहले तकबीर पढ़ते हैं उस वक्त ही इबुतों ने तो गिर जाना था ये भी दलील दी जाती है कि इब्न ज़ुबैर रज़ीम कहते हैं सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम ने यदैन किया था और बाद में छोड़ दिया हालांकि ऐसी कोई रिवायत जो है वो साबित नहीं है इसी तरह इस सिलसिले में एक और रिवायत भी पेश की जाती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अन्हुमा के साथ लबास पड़ी ये लोग शुरू लबास के अलावा हाथ नहीं उठाते थे इस हदीस के बारे में इमाम बहकी और दारकुतनी फरमाते हैं कि इसका रावी महब्बत बिन जाबिर जो है वो जहीफ है बल्कि बाजौलबा असलन इब्न जोजी रहमुल्ल् अब्न तैमिया, रहमुल्ल् वग़ैरह ने इसे मौजू कहा है यानी ये मन गढ़त है ये रिवायत हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अलहू के बयान करदा नहीं है उन्होंने नहीं इसको बयान किया बल्कि किसी ने खुद से घर लिया है खुद से तराश लिया है और उनकी तरफ़ से मंसूब कर दिया है लिहाजा ऐसी रवायात पेश करना जायज़ नहीं है खलास बहस ये है कि रफौलिया दैन करने की जो हादीस हैं वो बसरत आई हैं बहुत ज़्यादा हैं और उनकी जो रिवायात हैं असनाद हैं वो भी सही तरीन हैं जबकि रफ़ाजैन ना करने की जो हादिस हैं बहुत कम हैं और उनकी रिवायत जो हैं वो भी साबित नहीं हैं कोई सनत नहीं है इमाम बुखारी रही फरमाते हैं कि अहले इल्म के नज़दीक किसी एक सहाबी से भी अदम रफ़ाजदैन साबित नहीं यानी एक सहाबी भी ऐसे नहीं थे जो रफ़ालादैैन ना करते होंम रफ़ाउन करने का हमें आज सुनने से साबित हो गया लिहाजा सहबा कराम ताबीन, तब ताबिन और फोका और महदसिन जो हैं उनके नज़दीक रफ़ा उल्यादैन जो है वो मनसूख नहीं है बल्कि ये सुन्नत है और सुन्नत जो है वो छोड़ने के लिए नहीं होती बल्कि अपनाने के लिए होती है अल्लाह सौन्ना तब को बेहतरीन हदायतें और ज़्यादा से ज़्यादा सुनतों पर अमल करने की फरमाए, अपना ख्याल रखिएगा सुबह नबी हमदी का न शुल्ला अंत न स्त फिर का व न तो वो अलैकुम व असलमकुम व हम